Uh, dear students, now we are going to talk about uh, citizen journalism. Citizen journalism is uh, a form of journalism uh, in which uh, citizens play an active role. And uh, citizen journalism is a kind of journalism in which citizens who play a significant role in the process of news collecting, reporting, editing, and distributing it to the other public. इंटरनेट के पब्लिक हो जाने से और आ, स्मार्ट टेलीफोन के सस्ता हो जाने से जो एक नई तब्दीली आई है वो ये है कि पीपल हैव स्टार्टेड टू रिपोर्ट द न्यूज़ ऑन सोशल मीडिया प्रोफाइल्स और वो अपने मोबाइल फ़ोन से किसी भी इंसिडेंट को की वीडियो बनाते हैं उसको थोड़ा बहुत एडिट करते हैं और वो इसको सोशल मीडिया पे शेयर कर देते हैं और इसी बिहेवियर uh, को सिटीज़न जर्नलिज़म कहा जाता है एंड वी मे नो इट विद अदर नेम्स एज वेल सच एज नेटवर्क जर्नलिज़म पार्टिसिपेटरी जर्नलिज्म स्ट्रीट जर्नलाज्म एंड एट्सट्रा सिटीज़न डिफरेंट फ्रॉम प्रोफेशनल जर्नलाज्म एंड ट्रडिशनल रिपोर्टिंग जब हम सिटीज़न जर्नलिज्म की बात करते हैं तो हमें यह पता चलता है कि ये प्रोफेशनल जर्नलाज़म से बिल्कुल मुख्तलिफ है और ट्रेडिशनल uh, रिपोर्टिंग से भी बिल्कुल मुख्तलिफ है क्योंकि uh, जो uh, ये सिटीज़न जर्नलिस्ट होते हैं उनकी कोई प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं हुई होती उन्होंने कोई जर्नलाज़म को पढ़ा नहीं होता वो उनके पास कोई ऐसा चीज़ का एक्सपीरियंस नहीं होता बस uh, उनको को जो है एक्सेस होती है कि जो कोई इवेंट हुआ है कोई इंसिडेंट हुआ है कोई हैपनिंग हुई है वो वहाँ पे मौजूद थे और उन्होंने उसको एज़ इट इज़ रिकॉर्ड किया उस इवेंट इंसिडेंट या हैपनिंग को और उसको दूसरों के साथ शेयर कर दिया इसमें वो कोई न्यूज़ को फ्रेम नहीं करते या उसको प्रोफेशनली जो है रिपोर्ट नहीं कर रहे होते एंड सिटीज़न जर्नलिस्ट डू नॉट रिक्वायर प्रोफेशनल डिग्रीज तो आ, ये भी आ, एक रियलिटी है कि आपको हो सकता है एक सिटीज़न जर्नलिस्ट uh, uh, मिले जो बिल्कुल भी वेल uh, एजुकेटेड well ना हो या उसने कोई uh, अला तलीम हासिल ना की हो जर्नलिज़म या किसी और सब्जेक्ट में भी मगर वो uh, आपको एज अटीजन सिटीजन जर्नलिस्ट मिलेगा अपनी कम्युनिटी में क्यों क्योंकि वो अपनी कम्युनिटी की uh, जो है डे टू डे इंफॉर्मेशन और डे टू डे इवेंट्स सोशल मीडिया पे शेयर करता हुआ नज़र आता है सिटीज़न जर्नलिस्ट आर नॉट द मेम्बर ऑफ मेन स्ट्रीम मीडिया सो मोस्ट ऑफ द टाइम वेन एवर वन वी टॉक अबाउट द सिटीज़न जर्नलिस्ट दे आर नॉट द पार्ट ऑफ द मेन स्ट्रीम मीडिया और ये कम्युनिटी uh, मेबर्स होते हैं कम्युनिटी स्टेक होल्डर्स होते हैं वहाँ के लोकल लोग uh, होते हैं जो उस कम्युनिटी के इशूज़ को रिपोर्ट कर रहे होते हैं और इनका मेन स्ट्रीम मीडिया से कोई तलक नहीं होता सिटीज़न जर्नलिस्ट राइट द न्यूज़ फ्रॉम देयर ओन पर्सपेक्टिव सो व्हेन दे शेयर द न्यूज़ और जनरेट द न्यूज़ दे आर व्यूइंग द इवेंट और इंसिडेंट विद देयर ओन लेंस वो इसको कोई प्रोफेशनली uh, किसी आइडियोलॉजी की बेस पर नहीं देख रहे होते उनको जो अपनी उनकी समझ होती है उसके मुताबिक वो उसको रिपोर्ट कर रहे होते हैं वट आर द एडवाटेज ऑफ सिटीज़न जर्नलिज्म सिटीज़न जर्नलिज्म प्रोवाइड्स आ फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन ड्यूरिंग आ क्रिटिकल इंस्टेंस तो ये जो सिटीज़न जर्नलिस्ट होते हैं इनका एक फ़ायदा ये है कि भी कोई भी सानिया हो गया कोई ट्रेजडी गई, और अगर ये वहाँ पर मौजूद हैं तो ये आपको फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन ऑन द स्पॉट शेयर कर देते हैं और जिसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें रिकॉर्ड हो जाती हैं और वो बाद में बड़ी मददगार होती हैं उस इंसिडेंट या ट्रैजडी को समझने के लिए एंड सिटीजन जर्नलिज्म ऑफर्स एन ऑपरचुनिटी फॉर टैलेंटेड पीपल हु आर नॉट प्रोफेशनल्स जब हम सिटीज़न जर्नलिज्म की बात करते हैं तो इट अ विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर द टैलेंटेड पीपल आज हम देखते हैं कि आपको बहुत सारे सिटीज़न जर्नलिस्ट मिलते हैं पाकिस्तान में जिन्होंने सिर्फ अपने टैलेंट की बुनियाद पर अपना एक नाम बनाया है ऑनलाइन वर्ल्ड में और वो आ, जो है क्रेडिबल जर्नलिस्ट समझे जाते हैं इट ऑफर्स अ गुड अमाउंट ऑफ स्पेस फॉर मार्जिनालाइज ग्रुप्स तो ऐसी कम्युनिटीज़ ऐसे मार्जिनालाइज ग्रुप जो मेन जिनकी कभी भी कोई ख़बर मेन स्ट्रीम मीडिया पे नहीं आती तो वहाँ के जो लोकल सिटीज़न जर्नलिस्ट होते हैं वो उनकी खबरें शेयर कर रहे होते हैं विद द आल कंट्री एंड विद द मेन स्ट्रीम मीडिया एज वेल तो मेन स्ट्रीम मीडिया तो एक एजेंडे के तहत चलता है उसकी अपनी एक मोटिवेशन होती है जो कि कमर्शियल इंटेंट होती है तो uh, जो सिटीज़न जर्नलिज़म है इसमें ऐसा कुछ नहीं होता और uh, लोग जो है अपनी कम्युनिटी की uh, जो मार्जिनलाइजेशन को है और अपनी कम्युनिटी की जो प्रॉब्लम्स को है वो इजीली शेयर कर सकते हैं ऑन सोशल मीडिया एंड सिटीज़न जर्नलिस्ट कवर्स द प्रॉब्लम्स दैट मेन स्ट्रीम मीडिया डोंट आपने अक्सर देखा है कि बहुत सारे जो मार्जिनलाइज्ड एरियाज होते हैं वहाँ की जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो मेन स्ट्रीम मीडिया की जो रिपोर्टिंग का हिस्सा ही नहीं बन पाती अब इस गैप को फिल कर दिया है सिटीज़न जर्नलिज़म में तो आपको सोशल मीडिया पे बहुत सारा ऐसा कंटेंट देखने को मिलेगा जो कि मार्जिनलाइज्ड एरिया के ही प्रॉब्लम्स के ऊपर है जिस पे मीडिया कभी भी बात नहीं करता मगर क्योंकि उस पर सोशल मीडिया पे बात हो रही है तो इस तरह से उसके ऊपर एक पब्लिक सेंटिमेंट भी जनरेट होता है वट आर द डिसडवान्टज़ ऑफ सिटीजन जर्नलिज्म सिटीजन जर्नलिज्म हैव इश्यूज़ ऑफ़ एथिक्स इन रिपोर्टिंग तो ए, एथिक इश्यूज इन्वॉल्व होते हैं जब सिटीज़न जर्नलिस्ट रिपोर्ट कर रहे होते हैं कि उन्हें नहीं पता कि ये कंटेंट किसके लिए बनाया जा रहा है और इसमें कितनी सेंसिटिविटी है और इसमें आ, किस हद तक उन्होंने दिखाना है या कैसे किस अंदाज में बात करनी है तो एथिक्स के इश्यूज हो सकते हैं उनकी रिपोर्टिंग में इट कन्फ्यूज़ द ऑडियंस ऑन वट टू बिलीव एज देयर आर लॉट ऑफ ओपिनियंस हो सकता है एक टॉपिक के ऊपर एक इवेंट के ऊपर एक इंसिडेंट्स के ऊपर हम बहुत सारे आ, आपको वीडियोस मिलें और वो आपको कंफ्यूज करें कि इसमें से सही वाला कंटेंट कौन सा है समटाइम्स द न्यूज़ रिपोर्टेड आर अनट्रस्टवर्थी और समाइम ये भी होता है कि आप आ, लोग जो है इसको एज आ एक्ट ऑफ पर्सनल गेन यूज़ कर रहे होते हैं और दूसरों को ब्लैक मेल करने के लिए पूरा कॉन्टेक्स्ट बताए बगैर उसको शेयर कर रहे होते हैं जिसकी वजह से किसी का नुकसान भी हो सकता है कन्फ्लिक्स ऑफ इंटरेस्ट एंड डिफरेंस ऑफ इन डिफरेंसेस इन ओपिनियन एग्जिस्ट इन सिटीजन जर्नलिज्म तो जब भी हम सिटीजन जर्नलिज़म की बात करते हैं तो ये वहाँ पर कन्फ्लिक्ट होते हैं डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होती है और उसकी वजह से इस कंटेंट की रिलायबिलिटी भी थोड़ी सी कम हो जाती है